बंधनेशन समाज उपस्थित निर्चिर विवेकी बंधुओं, श्रद्धामती देवियों, प्यारे बच्चों, अभी हम सब संतों के निर्णय वाणी भजन और प्रवचन के माध्यम से श्रवण कर रहे थे। मेरे लिए आदेश है कुछ समय आप सबके बीच अपना विचार रखने का प्रयास करूंगा। समय भागा जा रहा है, निरंतर भागा जा रहा है, समय रुकता नहीं है। मनुष्य अपने जीवन को धोखे में खोता चले जा रहा है। धन जन प्राणी और पदार्थों को ही सत्य मान करके ऐसे ही सभा लगी हुई थी, विशाल सभा। सद्गुरु कबीर साहेब चलते हुए उस सभा को देखा, पहुंच गया। पहुंच करके सद्गुरु गुरु कबीर कहते हैं, इस सभा के बीच में है कोई गुरु ज्ञानी? जगत उलट वेद बूझे, पानी में पावक भरे, अंधे ही आंख न सूझे, है कोई गुरु ज्ञानी? गुरु ज्ञानी कहते हैं श्रेष्ठ ज्ञानी, महान ज्ञानी। इस सभा में कोई है? यदि है तो जगत की ओर पीठ दे करके वेद को बूझे। वेद क्या है? ज्ञान, आत्मज्ञान, अपने को जाने। मैं कौन हूं? मेरा कर्तव्य क्या है? मैं क्या कर रहा हूं? क्या लेकर आया हूं? क्या लेकर जाऊंगा? कभी ठहर करके चिंतन करता है? जगत की ओर पीठ दे करके, रुक करके अपने को समझता है, जानता है? जब अंत समय आता है, प्रिय प्राणी का वियोग होता है, सहा नहीं जाता है, इसके बिना मेरा अब जीवन कैसे होगा? इसके बिना जीवन कैसे होगा? कल ही हमारे साथी बता रहे थे, गुजरात में धर्मपुरी है, आश्रम है, वहां के व्यवस्थापिका, उनका भाई था, उन्होंने लाखों की लागत लगा करके साधुओं के लिए, बहुत सुंदर राजभवन की तरह आश्रम का निर्माण किए, बाग बगीचा सब सही थे। उसी के बगल में उसका फैक्ट्री था, पाइप का भी। उसका उम्र 70 के आसपास रहा होगा। कल चलते फिरते, खाते पीते, भरा पूरा परिवार को छोड़ करके अटैक हो गया, सदा के लिए चल दिया। कोई नहीं सोचा था इस प्रकार से आज हो जाएगा, हम सबकी भी मौत होगी। मौत होने के बाद मौत किसका होता है? केवल शरीर का, शरीर छूट जाता है और अमर आत्मा अपने कर्म के अनुसार से
जहां आशा तहां बासा, जैसा उसका कर्म है उसके आत्मा वहां पहुंच जाता है। जैसे यहां पर इतने लोग बैठे हैं, उनके घर में, आप सबके घर में जाके कोई पूछेगा, आप लोग सत्संगी है, घर में पूछेगा कहाँ गया है मालिक, घर वाले बताएगा आश्रम में गया है, वहां सत्संग भजन हो रहा है, संत महात्मा आए हैं। कोई आदमी शराबी है, उसके घर में जाकर के पूछेगा कहाँ गया है घर मालिक, वो भट्टी की तरफ गया है। कोई गंजेड़ी है, उसके घर में जाके पूछेगा कहाँ गया है, वो गंजेड़ियों के पास गया है। कोई जुआड़ी है, उसके घर में कोई जाके पूछेगा कहाँ गया है, वो जुआड़ियों का अड्डा वहां पर है, वहां गया होगा। कोई होटलबाजी करता है, उसके घर में जाके पूछेगा कहाँ गए घर मालिक, वहां पर होटल में बैठता है वो जाकर के। जहां जहां जिसका अध्यास वासना है वहां ही मनुष्य पहुंचता है। ऐसे ही ये शरीर को छोड़ करके आत्मा ऐसे ही खानियों में जाता है, जैसे आज के कर्म। कर्म कर्म ही मनुष्य को 84 योनियों में भटकाता है। भटकने से बचना है तो सद्गुरु कहते हैं, है कोई गुरु ज्ञानी, गुरु ज्ञानी श्रेष्ठ ज्ञानी महान ज्ञानी है तो जगत की ओर पीठ दे दो। यदि सत्य में समझना है और सत्य में स्थित होना है तो एक बार अवसर मिला है। जगत उलट वेद बुझे, क्यों पानी में पावक भरे, अंधे ही आंख न सूझे। पानी पानी शीतल होता है, खौलते हुए पानी को, उबलते हुए पानी को आग में डाल के देखो, आग बुझ जाएगा, क्योंकि पानी का धर्म है शीतल। एक आदमी आकर के कहा कि साहेब जी मेरा पैर जल गया। किसमें जला? पानी में। पानी में पैर नहीं जलता है, उस पानी में आग के अंश समाया है, वह आग के अंश समाया इसलिए तुम्हारे पैर में पड़ा और पैर में फफोला आ गया। यदि पानी से जला होता तो दहकते हुए अंगार में पानी डाल करके देखो, खोलते हुए पानी को, वह सारा पानी को बुझा देगा। पानी का गुण शीतल है। उसी प्रकार से पानी में पावक भरे, अंधी आंख न सूझे। सबके आत्मा कैसा है? शांत स्वरूप है, शीतल है। लेकिन जैसे जैसे संग करता है उसी का रंग चढ़ता है, उसी का रंग चढ़ता है। जैसे कहा जाता है, एक उदाहरण के माध्यम से हम समझें। एक आदमी व्यापार कर रहा था और व्यापार बाहर जा करके लखनऊ शहर में उसका व्यापार बहुत बढ़ गया। उनकी शादी नहीं हुई थी, शादी नहीं हुई थी। माता पिता ने बार बार फोन करके कहा, बेटा तुम्हारी भरी जवानी है, 30 वर्ष के उम्र हो चुका है और तुम ही एक आधार हो हमारे लिए, अब तुम्हारी शादी हो जाने चाहिए, गृहस्थी आश्रम में तुम्हारा भी फल फूल लगे, धन जन का विकास हो। तुम धन के विकास कर रहे हो, उसी प्रकार से जन के भी विकास करो और हमारा भी बुढ़ापा में लाठी बन जाओ। तुम नहीं रहोगे तो पोते भी रहेंगे, वे हमारा रक्षा करेगा, बहू रक्षा करेगी। बहुत कहने पर, माता पिता के कहने पर बेटा आया, योग्य वधु से मंगनी जचनी होने के बाद शादी हो गई, बहू आ गई घर में।
कुछ काल रहा बेटा घर में, माता पिता के पास बहू के साथ में। उसका व्यापार बढ़ा था, उनके कर्मचारी गण हैं, बार बार फोन किया आप आ जाइए, जल्दी आइए, यहाँ व्यापार में उतार चढ़ाव आ रहा है। कहने से पत्नी को भी समझा दिया और माँ बाप को समझा दिया, मैं जल्दी समेट करके पुनः आऊंगा। गया गया तो उसे समेटते समेटते 12 साल बीत गया, 12 साल बीत गया। पत्नी बार बार फोन करती और उसी बीच में जब घर आया था, शादी हुई थी, कुछ दिन पति और पत्नी साथ में रहे, कुछ ही दिन के बाद पत्नी के शरीर में भी परिवर्तन आ चुका था। कुछ दिन के बाद वह पत्नी है नवजात सुंदर बालक को जन्म देती है। बालक होनहार था, माता पिता उसे प्यार से उसके रक्षा किए और बहू भी अपने संतान को रक्षा किए। रक्षा करते करते 12 साल बीत गया, बच्चे का उम्र 12 साल का हो गया। 10 साल का होने के बाद बच्चा बार बार माँ से कहती, माँ पापा है कहते हैं आप लोग, है कहाँ है पापा, है कहाँ? बार बार कहे, बेटा तुम्हारे पापा आने ही वाले हैं। बच्चा माना नहीं, 12 साल की उम्र हो चुका, मुझे जाना है पापा के पास, आप लिख करके दे दो कागज में, राह के खर्चा दे दो। माँ मजबूर हो गई, ये बच्चा है हठ में आ गया 12 साल के और सब कुछ जान रहा है। माँ ने रास्ता के खर्चा खाने पीने का और रुपया पैसा और पिता के लिए सब कुछ एड्रेस लिख दिया, पिता का नाम भी गांव भी। बच्चा चल दिया, जाकर के रेलवे स्टेशन में बैठ गया, गाड़ी आई और लखनऊ के लिए। लेकिन लखनऊ शहर जाने के पूर्व कानपुर में गया, कानपुर में उसको गाड़ी बदलनी थी। उधर से पिता भी सोचा, बहुत दिन हो गए, बार बार पत्नी और माता पिता भी फोन कर रहे हैं, मुझे चल देना चाहिए। पिता भी वहां से चल पड़ा उसी दिन, और इधर से बच्चे भी पहुंच गए कानपुर में। बच्चा एक रेल से उतरा, वहां रेल ही बदलना था उसको, उतरा और खोजते खोजते एक कमरा धर्मशाला में मिला, वहां जाकर के सो गया। रात्रि के 11 बज चुका था, ठंडी का समय था, बच्चा सो गया। उधर से पिता 12 बजे आया रात्रि में, आकर के वह भी अपने तलाश करने लगा। उसके पास तो आवास संपत्ति लेकर के आ रहा था, पत्नी माता पिता बच्चे के लिए लाखों की संपत्ति लेकर के आता आ रहा था, हीरे मोती भी। उन्होंने सुरक्षित जगह ढूंढा तो जिस कमरा में वह बच्चा सोया था वही कमरा उसे सुरक्षित मिला। उन्होंने उस बच्चे को जगाया, वो बच्चे जाग जाओ, इस कमरा में मुझे रहना है, तुम अपना निकल जाओ कहीं भी। शहर के लड़के बहुत ही नालायक होते हैं और तुम यहाँ बच्चे नहीं हो, पता नहीं क्या कर लोगे, मेरे पास बहुत सारा सामान। बच्चे ने कहा, बाबूजी मुझे भी एक किनारे पड़े रहने दीजिए, आप भी सो जाए। नहीं नहीं, वह पिता है व्यापारी है, बच्चे का बाह पकड़ करके निकाल देता है। बच्चा रोने लगता है, किसी तरह से ऐसे बेंच के नीचे में रात्रि गुजारा, ठंडी का समय था। सुबह हुआ, धूप निकला, बाहर में जा करके कांप रहा था, धूप ले रहा था। पिता भी सुबह उठा, 7 बजे उठ करके अपने कमरा में ताला लगा दिया, ताला लगा करके बाहर दातौन कर रहा था, मंजन बना रहा था। उसी बच्चे को देखा, पहचान लिया, यही बच्चा तो था, सो तो सोया था। वह पिता अब पूछने लगा, बेटा तू कहाँ रहता है? बताया अपना गांव, ये तो मेरा ही गांव बताता है। तुम्हारा पिता का क्या नाम है? उन्होंने बताया, पिता का नाम भी बताया, मुझे मैं ही हूं वो। तो तुम कहाँ जा रहे हो? लखनऊ शहर जा रहा हूँ पिता के पास। वह पिता
पहचान गए ये मेरा ही बेटा है। दातुन अलग फेंकता है, लोटा अलग छोड़ता है और उस बेटा को उठा करके चिपका करके रोने लगता है। आज मैं बेटा से वंचित हो जाता यदि रात्रि में बेटा की मौत हो गई होती तो। वही बेटा रात में 11 बजे भी था, वही बेटा सुबह भी था, लेकिन उस समय वह बेटा को पहचाना नहीं, बेटा को नालायक भी कहा, अपरिचित कहा। अब बेटा को हृदय से लगा करके फूट फूट करके रोने लगा। मोह कहाँ होता है, जब मान लेता है तब, ए मेरा है, ए मेरा है, मेरा। जब तक नहीं मानोगे तुम्हारे मन में मोह नहीं होगा, किसी को दुश्मन नहीं मानोगे मन में क्रोध नहीं होगा। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जो भी होता है, मान मान करके परचित परचित में सब कुछ होता है। कौन मेरा है, कौन तेरा है। इस प्रकार से यह जीव संसार चक्र में अनादिकाल से भटक रहा है। मैं मेरी का मान मान करके और हर्ष शोक करता है। इसलिए सतगुरु कबीर कहते हैं, जीव का स्वरूप केवल शांत है। जैसे वह पिता का स्वरूप बच्चे को नहीं देखा था, कोई मोह नहीं था, बच्चे पिता को नहीं देखा था, यही मेरा पिता है, तब पिता के प्रति कोई श्रद्धा नहीं थी। लेकिन अब पिता में एकदम समर्पित और पिता है, बिल्कुल सारे संपत्ति को पिता बच्चे के हाथ में सौंप दिया और बाथरूम गया। पहले नहीं जानता तो चोर बदमाश कहता था पिता है उसी बच्चे को। अब सारे संपत्ति, लाखों नहीं करोड़ों की संपत्ति लेकर के आ रहा, सब कुछ बच्चे को हाथ में सौंप दिया, विश्वास हो गया ये मेरा है, ये धोखा नहीं देगा। तो जीव का स्वरूप बिल्कुल शांत है, शांत स्वरूप, शीतल स्वरूप। पानी में पावक भरे, अंधी आंख न सूझे। जीव शुद्ध आत्मा है, उसके मन में कोई क्रोध नहीं, काम नहीं, राग नहीं, द्वेष नहीं। जैसे जैसे संगत करता उसी प्रकार से रंग हमारे अंदर में चढ़ गया है। उस रंग को धोना है, तो धोने के लिए क्या करें, जगत उलट वेद बूझे, जगत के तरफ पीठ दे दें और वेद सत्य ज्ञान को बूझे, बूझने की कोशिश करें। जैसे इधर पहाड़ है, पहाड़ के तरफ हम चलते हैं, देखते हैं तो केवल पहाड़ ही पहाड़ नजर आता है, लेकिन उधर पीठ कर देते हैं तब बहुत सुंदर चौक पूरे की तरह किसानों के खेती लहलहा रही देख रही है, देख रहे हैं, कहीं मक्का है, कहीं गन्ना है, कहीं कपास है, कहीं गेहूं है, तो यहाँ हरियाली ही हरियाली दिखाई देता है। लेकिन वह हरियाली छिन जाती है जब हम पहाड़ की ओर मुख कर लेते हैं। तो उसी प्रकार से बंधुओं, यदि अपने में लौटना है, आत्मा में लौटना है, तो संसार के मोह माया को त्यागना पड़ेगा अपने को जानने के लिए। और मोह माया कब तक होता है, जब तक हम नादान हैं, गुरु का ज्ञान नहीं मिला है तब तक। एक सेठ था, कड़ोरी मल सेठ कहा जाता था, कड़ोरी मल वह सेठ का नाम था। उनका तीन संतान था, तीन पुत्र था, उनका उम्र 60 साल का हो चुका था और उनके पास करोड़ों की संपत्ति थी। सेठ कभी झूठ नहीं बोलता था, सत्य का सौदा करता था। उसको सुन करके एक महात्मा सोचा, जे करोड़ी मल है, करोड़ों की संपत्ति जिसके पास है, वह सत्य बोल ही नहीं सकता है, झूठ का सहारा लेता है, होगा। वह परीक्षा लेने के लिए महात्मा पहुंच जाता है, महात्मा सेठ के घर में जाता है। सेठ देखता है सुंदर आसन बिछा देते हैं, सेठ के सेठ है, संत के चरण धोते हैं, खाने पीने के लिए सामान लाते हैं, दूध दही घी मक्खन है, फल फूल लाकर के संतों को अर्पित करते हैं। सेठ उसके बाद सामने बैठ जाता है, चटाई बिछा के, चादर बिछा करके। सेठ पूछते हैं, संत जी किधर से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। संत ने कहा, ऐसे जा रहा था, आपका नाम सुना था, यहाँ कोई सज्जन सेठ है तो आपके से भेंट करने के लिए आया हूँ। इतने में संत ने कहा, सेठ जी ये बताइए आपके कितने संतान हैं।
सेठ ने कहा मेरे एक है, एक पुत्र है और है कितना, तीन है। पहला झूठ, सेठ के तीन पुत्र है और कहता है एक, पहला झूठ। सेठ से पूछा कि आपके कितने, आपकी संपत्ति कितना है। संत ने पूछा, सेठ कहता है मेरे पास 25 लाख, 25 लाख वर्तमान में है। ये दूसरा झूठ है, कितना करोड़ों की संपत्ति है और कहता है आज 25 लाख। सेठ जी आपकी उम्र क्या है, सेठ कहता है मेरा उम्र 15 साल और है कितना, सेठ का उम्र 60 वर्ष का। कोई भी कह देता है, कह सकता है कि पूरा पूरा झूठ बोल रहा है। इतने में सेठानी भी बैठी थी संत के पास, सेठ और सेठानी दोनों। सेठ ने कहा कि सेठानी हमारे पास कितना धन है। सेठानी ने भी कह दिया कि 25 लाख, 25 लाख। संत ने कहता है कि कितने संतान है, पुत्र है। उन्होंने कहा कि एक और है, तीन। तीनों बेटा उनके घर में ही है, तीन कमरा है, तीनों बेटा है। कहता है राजू, कहता है हाँ पिताजी जल्दी दौड़ के आओ बेटा। राजू कहता है मुझे एक मिनट फुर्सत नहीं पिताजी, है कमरा के अंदर। चाहे जैसा भी परिस्थिति हो, बिजली का भी काम करता हो, कंप्यूटर के काम करता हो, बटन आप करके ही दौड़ सकता है पिता के पास, लेकिन दौड़ करके आया नहीं। दूसरा पुत्र को पूछता, रमेश कहता है आओ पिताजी थोड़ा काम है। रमेश कहता है मैं अभी नहीं आ पाऊंगा, एक घंटा के बाद। दूसरे तीसरा पुत्र को कहता है सुरेश, कहता है सुरेश सा अक्षर सुना तैसे दौड़ गया, क्या आज्ञा है पिताजी। पिता ने कहा यही संतान है मेरा, नाम सुनते ही एक अक्षर सुनते ही जो दौड़ जाता वही संतान सच्चा है। तीनों पुत्र मेरे घर में है, कौन है धन के साथी, कुल कुटुंब है, पाप न कोई बटाई, पाप के बदला दुख पाओगे रोए नहीं सिराई। धन के साथी वो दो बेटा है, तीसरा बेटा ही आज्ञाकारी है। संत ने सिर हिलाया, सत सेठ सही कहता है। इतने में सेठानी से कहता है हमारा असली उम्र क्या है। सेठानी बताती है हमारा असली उम्र 15 साल है। एक ऐसे 15 साल जन्म हुआ, बालकपन में जीवन खो दिया, जवानी आई, शादी विवाह हुए, धन संपत्ति, धन और जन के विकास में जीवन खो दिया, 45 साल हो गया। 25 वर्ष के उम्र में शादी हुई और 25 के बाद 45 तक धन जन के विकास हुआ। इतने ही बीच में गुरु का दर्शन हुआ, गुरु का सत्संग हुआ, पारक का बोध हुआ, आत्मज्ञान हुआ और गुरु भक्ति में हम लोग लग गए और सारे संपत्ति को उत्तराधिकारी संतान को बना दिया और हम लोग दोनों गुरु भक्ति में लगे। आज 15 साल हमारा असली जीवन है। ये सेठ मेरा कौन है, सेठानी कहती है सेठ मेरा कौन है, ये असली मेरा रक्षक भाई है, भाई है, पिता तुल्य है ये मेरे, हर प्रकार से मेरे रक्षा करती है। पति पत्नी का रिश्ता नाता जब तक से गुरु का शरण में नहीं आया था तब तक पति पत्नी का रिश्ता नाता था और संतान के बीच में था, धन जन के विकास करता था। लेकिन अब 45 साल के बाद जब गुरु का उपदेश पाया तो सत्य अहिंसा ब्रह्मचर्य के मार्ग में चलने लगा और वानप्रस्थ आश्रम से जीवन जीने लगा। तो हम दोनों का असली जीवन ये 15 साल का है। असली जीवन क्या है, हमारा 15 साल है गुरु के शरण में आकर के। बिल्कुल ये हमारा पति नहीं है, ये हमारा भाई है, पिता तुल्य है, ये हमारी माँ है, ये हमारी बहन है, ये हमारा रक्षा करती हर तरह से। पति और पत्नी का रिश्ता नाता दोनों समाप्त। असली जिंदगी 15 साल हमारा है। सेठ और सेठानी दोनों कहते हैं, सेठानी से सेठ पूछता है आज तक हमने धर्म मार्ग में कितना धन लगाया, कहीं औषधालय, कहीं विद्यालय, कहीं कुआं, कहीं अनाथालय के और कुछ, कितना लगाया। सेठानी कहती आज तक हमने 25 लाख धन खर्च किया है, हमारे पास करोड़ों की संपत्ति है। आज मर जाने के बाद वो संतान कहेगा मेरा है,
लेकिन जो हमने धर्म मार्ग में खर्च किया है वही हमारे सच्चे संपत्ति है। आज के बाद शरीर छूटता है, उस सेठ की बात बता रहा हूँ, गुजरात में उनका क्या रह गया। जीवन में जो कुछ भी धर्म किया, एक धर्म ही है साथी, केवल विचार देखो, दुनिया के सारे नाते बिल्कुल असार देखो। धर्म ही सच्चे पुत्र है, धर्म ही तो। धर्म क्या है? तन से सेवा कीजिए, मन से भले विचार, और धन से इस संसार में करिए परोपकार। तन मिला सेवा के लिए, तन से सेवा कीजिए, मन से अच्छे भले विचार, और धन से इस संसार में करिए परोपकार। परोपकार करने के लिए मिला है। आप सोचते हैं पुत्र का क्या होगा, पत्नी का क्या होगा, उसके साथ में भी भाग्य है, वो भी कर्म कमाई करके आया है। हम नहीं रहेंगे तो भी पुत्र को अच्छे सुख शांति जगह मिलेगा। एक चपरासी था, स्कूल का चपरासी, उसका एक संतान था, छोटा सा बालक 2 साल का। अचानक अटैक आया, मौत हो गई। बहुत ही गरीब चपरासी था, उस समय 150 रुपया मिलता था उसे। अब कैसे गुजर चले? उनके पत्नी एक सेठ के यहाँ जाती थी काम करने के लिए। सेठ के यहाँ कुटिया पिसिया का काम करती और अपने बच्चे को भी ले जाती थी। बस नौकरानी चपरासी के जो पत्नी है सेठ के यहाँ जाती और सेठ के यहाँ काम करती, उनका जो बच्चा है सेठ के बच्चे के साथ घुल मिल गया। अब सेठ कहता है तुम्हारा बच्चा 4 साल का हो चुका है, पढ़ने लायक हो चुका, तुम यहाँ छोड़ दिया करो, सुबह फिर आना, तुम बच्चे हमारे बच्चे, तुम्हारा बच्चा एक हो गया। सेठ उसे पढ़ाने लगा, चपरासी के बच्चे को पढ़ाने लगा। पढ़ाते पढ़ाते सेठ अपना संतान समझ करके ऐसा पढ़ाया कि आईएएस अफसर बनकर के आया। आईएएस अफसर बनकर के आया, उनका खुद का संतान नहीं बन सका, लेकिन उस चपरासी के बच्चा शहर में पढ़ करके आईएएस अफसर बनकर के आता है तो उस सेठ के चरणों में, सेठानी के चरणों में मत्था टेकता है, यही मेरा धर्म का माता पिता है। उसके बाद ही वह अपने माँ के चरणों में मत्था टेकता है। बच्चे के भाग्य में आईएएस अफसर बनने का सौभाग्य किसका था? पिता का मौत। पिता न मरा होता तो क्या सेठ उसको अपनाते? कभी नहीं। बच्चे का भाग्य उदय कर्म करके आया था, ऐसे सेठ पुत्र के पिता के रूप में मिला, सेठानी पित्र के रूप, पिता के रूप, माँ के रूप में मिली, उसका कर्म था। और हम सोचते हैं ये बच्चे का क्या होगा, पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय। पुत्र अपने धर्म जो तुम्हारे घर में जन्म लिया है उसके नाम से जन्म लेते ही उनका बैंक बैलेंस करोड़ों के संपत्ति पुत्र के नाम पर है, वही संतान है। हजारों एकड़ खेती बाड़ी सब कुछ है, दुकान मिल है, वह कर्म कमाई करके आया है, तो आपकी संतान आपके न रहने पर उसी का है। और आप सोचते हैं उसका क्या? अरे अपना भाग्य बनाओ, अपने भविष्य निर्मल बनाओ। अब कहो राम नाम अविनाशी, हरि छोड़ी जीरा कतहु न जासे। अविनाशी राम में चित्त को जोड़ने के लिए अभी समय है, अभी मौका है। हरि को छोड़कर, गुरु को छोड़कर, आत्मा को छोड़कर के, सुचिंतन को छोड़कर तू कहां भटक रहा है? कौन तेरा है? मेरा है, मेरा है, ऐसा मूड जन्म भर करता, एक दिन मिट्टी के नीचे वह पड़ा पड़ा है सड़ता। इस जत्ती तल में जो जन्मा बैठा कौन यहाँ है? शौक के पहले वाले प्राय कोई नहीं जहाँ है। छोड़ो झूठी तन की आशा, धन की आशा छोड़ो, अहंकार की दुर्धर बेड़ी को विवेक से तोड़ो। मैं मेरी माया के पिंजड़े से उड़ के निर्मोही, अरे भाग चले जा उस प्रदेश में जहाँ असंख्य अद्रोही। तू दृष्टा है सारे जग का, दृश्य चूर माया है, तू चैतन्य अमर अविनाशी क्षण भंगुर काया है। एक काया बिल्कुल क्षण भंगुर है, आज है कल रहने वाला नहीं, कब मौत आ जाए कि इसका कोई खबर नहीं, कोई पता नहीं, कोई पता नहीं मौत कब आ जाए, कौन जानता है।
किसका मौत कब है? हम अपने आश्रम को छोड़ करके यहाँ आए हैं, क्या पता हम आश्रम को सकुशल पहुंच सके, कोई पता नहीं। हमारा रिजर्वेशन भी है, फिर भी क्या पता यही ही हमारा समाधि हो जाए तो, यही अंतिम क्षण हो जाए तो, कौन जानता है। पल पहार की खबर नहीं, क्षण मात्र के श्वास अटकी, कब श्वास रुक जाए, चलते चलते कहा नहीं जा सकता है। इसलिए तौलो तारा जगमगे जौलो उगे न सूर, तौलो जीव कर्म वश डोले जौनो ज्ञान न पियूर। ये जीव कब तक संसार में भटकेगा? जैसे सूर्य चंद्रमा और तारे गण है रात्रि में चमक रहा था, सुबह हम गए घूमने के लिए, चंद्रमा और तारे गण का ही प्रकाश था, उसी के प्रकाश से हम लोग सड़क में घूमते चले गए, लेकिन अब दिखाई देगा तारागण चंद्रमा है, नष्ट नहीं हुआ है, छिपा नहीं है, सूर्य के प्रकाश से वह छिपा जैसे लगता है। जौलो उगे न सूर, उसी प्रकार से हमको जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा, आत्मा ज्ञानी गुरु नहीं मिलेगा, तब तक हम संसार में भटकेंगे, और आत्मज्ञानी गुरु मिल गया उसी दिन हमारा भटकाव समाप्त, क्योंकि गुरु ने आत्मा का बोध दे दिया। दृष्टा दृश्य दर्शन, विषय तीन है, दृष्टा आत्मा, दृश्य ये प्राणी पदार्थ जो कुछ भी मन और इंद्रियों से दर्शन करते हैं। दर्शन का आधार क्या है? मन सहित इंद्रियां। मन लगा करके खाओगे तो बताओगे मिठाई का स्वाद कैसा है, मन लगा के नहीं खाओगे तो मिठाई का स्वाद भी नहीं जाने को पेट भर जाएगा, पेट पूरा हो जाएगा। मन लगा के कोई चीज को सुनोगे यहाँ पर सत्संग संतों के तो घर में भी जाकर के बताओगे। इस प्रकार से संत लोग बता रहे थे मन, तो मन लगा करके कान से सुनना, आंखों से देखना, नासिका से सूंघना और जीभ से चखना, त्वचा से छूना, मन लगा के करोगे उसका एक अनुभूति होती है और उसी का जीव को संस्कार बनता है, जीव को संस्कार उसी का बनता है मन लगा। तो मन सहित इंद्रियों से संसार को हम देखते हैं, कहीं सुखानुभूति करते हैं और कहीं दुखानुभूति करते हैं, कहीं दुख का अनुभव, कहीं सुख का अनुभव। वही दुख और सुख संसार में भटकाता है। संसार को मत देखो, मत सुनो, मत चखो, मत भोगो, अपने को देखो, मैं कौन हूं, मेरा कर्तव्य कहां से आ रहा हूं, कहां जाऊंगा, अपने में लौटो। है कोई गुरु ज्ञानी जगत उलटे बूझे, है कोई श्रेष्ठ ज्ञानी इसमें जगत की ओर पीठ दे करके अपने आत्मा को, आत्मा में चित्त को जोड़ ले। चित्त को जोड़ने का समय आत्मा है, जगह आत्मा है। पति और पत्नी है, माता और पिता है, पुत्र है, धन संपत्ति है, ये क्षणभंगुर है, आज है कल नहीं रहेगा, केवल धोखा है, धोखा है, धोखा के संसार है। इसलिए जागो संतो, जागो अब भई भोर, बहुतक सोए जन्म सिराए, यहाँ नहीं कोई तोर, यहाँ नहीं कोई तोर, संतो जागो अब भई भोर, अब सवेरा है, ये मनुष्य शरीर सवेरा है। जहिया जन्म मुक्ता हता तहिया हता न को, छठी तुम्हारी हो जगह तू कहाँ चला बिगो। जब जब मुक्त होने का नर शरीर मिला तब तक हमने माया को देख करके भूल गया, ये मेरा ये मेरा ये मेरा, छठी मन में अहंकार जगा, मेरा मेरा का। जहिया जन्म मुक्ता हता तहिया हता न को, तब तक कोई व्यवस्था कृत बंधन है, आप जो भी चाहो छोड़ सकते हो, तोड़ सकते हो, कोई बंधन नहीं। राजा भर्तरी का पिंगला रानी थी, उन्होंने एक दिन के लिए रानी को नहीं छोड़ता था, लेकिन एक समय ऐसा आया रानी के दुश्चरित्र को जान गया राजा भर्तरी है, उसी दिन बिल्कुल छोड़ के निकल गया। रानी पांव पकड़ लिए राजा का, एक बार क्षमा कर दो, एक बार बस हो गया। जो नर जिस नारी में आसक्त इतना है
झटका लगते ही सदा के लिए छोड़ के निकल जाता। राजा भर्तृ फिर घूम करके नहीं देखा, राजपाट सब कुछ पृथ्वी परम पुनीत पलंग ताको मन मानो, तकिया अपनो हाथ गगन को तंबू तानो, सोहत चंद्र चिराग बिजना करत दहो दिस, बनिता अपनी बीरति संगई रहत दिवस निज, अतुल अपार संपत सहित सोवत है सुख में मगन, मुनिराज महान निपरासु पहुड़ो देखन मेरे दिगा। वही राजा भर्तृहरि है, पृथ्वी के को परम पुनीत तकिया मान लिया, तकिया अपने हाथ गगन को तंबू तानो, वही राजा है। हम सोचते हैं कैसे छोड़ूंगा, कैसे छोड़ूंगा इसकी मोह को, इसकी आसक्ति को, मेरे बिना इसका कैसे होगा, आज अटैक हो जाएगा कैसे होगा देख लेना, जैसे उस बच्चे का कैसे हुआ, अटैक आने के देरी है, भरी जवानी में अटैक आ जाता है, 30 साल नहीं लगा, 40 साल नहीं लगा। इसलिए जीवन का भरोसा नहीं, कब मौत आ जाएगी, काया और माया तेरी तेरे साथ नहीं जाएगी। जीवन का भरोसा नहीं, कब मौत आ जाएगी, काया और माया तेरी तेरे साथ नहीं जाएगी। अरे काया का गुमान न करे, ये तो माटी का खिलौना है, चाह तेरा होता नहीं लिखा भाग का होना है, मेरा और तेरा छोड़ जीवन ज्योति बुझ जाएगी। जीवन का भरोसा नहीं, कब मौत आ जाएगी। अरे दौलत का गुमान न करे, ये तो हाथ का मैला है, राजा है तो रंक कोई सब किस्मत का खेला है, झूठी है ये माया नगरी कब पल में पलट जाएगी। जीवन का भरोसा नहीं, कब मौत आ जाएगी। अरे रिश्तों का गुमान न कर, दुनिया से तो आस न कर, तरना है तो भव सागर तर, गुरुदेव का स्मरण कर, भक्ति की शक्ति से जीवन नैया तर जाएगी। जीवन का भरोसा नहीं, कब मौत आ जाएगी, कब मौत आ जाए इसका कोई पता नहीं है। जन्म लेते ही नहीं माँ के गर्भ में पता चला कि माँ के बहू रानी के गर्भ में भगवान उतर चुका है, दूसरा दिन पता चला वो भगवान चले भी गया, दूसरा ही दिन उसी दिन ही, कब माँ के गर्भ से ही चले जाए कोई पता नहीं। शिशुपन बालकपन किशोरा अवस्था जवानी अधेड़ कभी नहीं, इसका कोई तिथि नहीं है। इसलिए आज अवसर मिले, अब कहूँ राम नाम अविनाशी, अविनाशी में राम में चित जोड़ने का, सत्संग भजन में चित जोड़ने का, अपने आप को भवसागर से पार होने का समय केवल आज है। आज आज काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करोगे कल, कल के काम आज करो, आज के काम अभी करो, क्षण क्षण में परलय होने वाली है फिर कब करोगे, परलय होना है क्षण क्षण में, परलय क्या मौत आना है। इसलिए जब तक मौत नहीं आई है तब तक अपना काम पूरा हम लोगों को कर लेना चाहिए। उसी के लिए आज इस क्षेत्र के सभी भक्त सज्जन यह आश्रम का निर्माण किए, संतों का आगमन हुआ, संत निवास किए इस खाली कुटिया में। अब संत आने पर जहाँ संत तहाँ संत सिधावे, एक संत आए दो संत आए, अब संत के समूह भी आ गया। अब इस मानसरोवर में आप सब मोती चुगने के लिए आ गए, सत्संग में मोती मुक्ति मिलती है। हरिजन हंस दसाले डोले, निर्मल नाम चुने चिन बोले, मुक्ता हल्ले चोंच लुभावे, मौन रहे की हरिस गावे, मान सरोवर तटके बासी, राम चरण चित अंत उदासी। राम के चरणों में चित्त को जोड़ो, अंत से उदास हो जो, उदास होने में ही जीवन का भलाई है, सत्संग से ही सब कुछ मिलता है। इसलिए प्यारे मित्रों भाइयों बहनों,
हम सबको बहुत सुंदर अवसर मिला है। यह आश्रम में संत रहते हैं, संतों के पास हमेशा आते रहिए। आज यहाँ मासिक सत्संग के नहीं, वार्षिक सत्संग होता है, त्रिदिवसीय सत्संग में आप सब आते हैं, लेकिन संत हमेशा रहते हैं। हमेशा आते रहिए और संतों से लाभ लीजिए। न वार्षिक मासिक को न रोज आप आए, सप्ताह में आए, पाक्षिक आए, महीना में आए, दो महीना, चार महीना, छह महीना में आए, लेकिन संतों के से दोस्ती करें। दोस्ती किसना करना चाहिए, मित्रता तो संतों से करें। जैसे दोस्ती करेंगे उसी प्रकार से हमारा रंग जीवन बदलता जाएगा और हमारा धन जन में परिवार के पालन में कोई क्षति नहीं होगी, बल्कि अच्छी तरह से उसका भी रक्षा होगा, वो भी सत्मार्ग में लगेगा। मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बोलिए सतगुरुदेव देव की जय।